By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 5, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो शुरू करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें दो कविताएं देखने को मिलती हैं, एक है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग उत्साह से। तो प्रस्तुत कविता के अंदर जो कवि है वो आवाहन गीत गाते हैं, एक तरीके से आवाहन गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गरजने के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बोलते हैं बादल गरजो और बरसो। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरजकर सुख बनने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाली बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाले जो वज्रपात है दोनों देखते हैं। तो कवि को ये चीज़ पता है कि अगर बादल बरसते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी खेत वगैरह उगने लग जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल फूल ये सब चीज़ें उगने लग जाते हैं, और यहीं पर ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़के ओले गिरें तो वो क्या कर देते हैं, एक वज्रपात की तरह तहस नहस कर देते हैं चीज़ों को। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपना जो कठोर वज्र शक्ति है उसको अपने भीतर छुपा कर रखें, और ये जो बारिश कर कर क्या करें कि वज्र शक्ति को तो जो गुस्से वाला रूप है उसे अपने अंदर रखें, और जो बारिश है उससे नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। तो वो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि नया जीवन और नई स्फूर्ति सब चीज़ों के अंदर आ जाएगी, मूसलाधार बारिश करो लेकिन अपनी जो वज्र शक्ति है इसको छुपा कर रखना। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन हैं। आखिर बादल क्यों बेचैन रहने लगे? तो कवि को ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण सब लोग परेशान हैं, तो बादल भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। वो इस चीज़ को लेकर बेचैन है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे धरती को शीतलता प्रदान करें। तो यहीं पर जो हमारी ये जो कविता है ये ख़त्म होती है। चलते हैं अब हम लोग अपनी दूसरी कविता के ऊपर। तो प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं वो फागुन का जो मानवीकरण चित्र है वो प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि हमें एक जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में बताते हैं ना हम लोग कि यार वो मोटा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उस तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हैं फागुन के बारे में। अब फागुन कौन सा महीना होता है? फागुन वो महीना होता है जो फरवरी से मार्च में आता है, और फागुन के महीने में हमारी वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु क्या चीज़ होती है? वसंत ऋतु के अंदर जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है, और उनकी जो सुगंध है वो सारे वातावरण को महका उठती है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आँखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। तो इतना सुंदर माहौल है, इतनी सुंदर चीज़ें हैं कि कवि अपनी आँखें चाहकर भी नहीं हटा पा रहे हैं। इस मौसम में बाग बगीची वन उपवन सब में नए नए पेड़ पौधे नए नए पत्ते ये सब चीज़ें खिल रही हैं, और ये लद गए हैं इन सब चीज़ों से। कहीं यह लाल रंग के हैं तो कहीं ये हरे रंग के हैं, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी पत्ते कुछ पेड़ों के होते हैं वो लाल रंग के भी हैं, ये बता रहे हैं, कहीं हरे रंग के पत्ते उग रहे हैं लेकिन हर जगह नए नए पत्ते उग रहे हैं, जो डालियाँ हैं उन पर तो अनगिनत, मतलब गिन ही नहीं सकते, इतने सारे फूल उग गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगी और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। तो जो हमारी प्रकृति है उसने शायद अपने गले के अंदर एक बहुत सुंदर सी माला पहन ली है जिसके अंदर बहुत सारे फूल हैं और बहुत अच्छी अच्छी से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कवि को। इस सुंदरता का कवि ये कहते हैं कि ये जो सुंदर दृश्य है इसके बारे में कवि ये बताते हैं कि ओर छोर नज़र नहीं जाती, मतलब ये जो सुंदर वातावरण है इससे उनकी नज़र इधर उधर नहीं जाती। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। तो यहीं पर जो हमारी ये कविता है ये ख़त्म होती है। काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी
त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कवि परिचय भी इनका। तो ये 1899 के अंदर बॉर्न हुए थे बंगाल के अंदर। तो बंगाल के अंदर ये बॉर्न हुए थे और इसके साथ साथ इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1961 के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं एग्ज़ाम के अंदर, एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर आपसे ये पूछी जा सकती हैं। और डिटेल्ड कवि परिचय आप बुक के अंदर पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी एंड डेट ऑफ DOD डेट ऑफ डेथ भी बता दी है। तो यहीं पर हमारी कविता खत्म होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिर प्रकृति ने किस चीज़ की माला पहनी हुई है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोज़ बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।